मेरा नाम चाहत है, मैं प्लस टू क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल खेलन है। मुझे डांस का बहुत शौक है। डांस के अलावा मुझे मेकअप का, खाना बनाने का शौक है। मैं रोज़ सुबह मंदिर जाती हूँ और मुझे राइटिंग का शौक है। मेरा ड्रीम है कि मैं एक डांस कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। स्कूल में KKSD सर आए थे। उन्होंने एक हमको फॉर्म दिया था, उस पे था कि हम डांस कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में भाग ले सकते हैं हम लोग। तो मैंने डांस में लिया था, तो उन्होंने बोला था कि पहला राउंड हमारा डेराबसी में हुआ था, दूसरा खरड़ में हुआ था और तीसरा जीरकपुर में। वहाँ पर हमने डांस किया था, वहाँ से मुझे मेडल भी मिले थे। नमस्कार, मैं अंजुआ जी, चाहत में मेरी बेटी है जी, जिसको डांसिंग शुरू से ही बचपन से ही शौक है जी। यानी कि जहाँ भी खड़ जा जी वहीं डांस करने लग जाती है जी। बहुत शौक है जी डांसिंग का। इसने कभी छोटी सी आठवीं दसवीं जाती जी नब्बीं में जी, वो इसने कहा है मेरे से डांस का, मेरे से शौक है, डैडी को कहा है अपने। बस जी देखो, हमारी इतनी हालत ऐसी है नहीं जो हम बस एक मौका मिला जी, किस में है कितना दम उसमें मौका मिला जी।
उसमें हम अपनी बच्ची को, पर फिर भी इबाल इतना मौका है नहीं हमारे मसारा, फिर भी हम कर रहे जी, साथ लग रहे बच्ची के जी। इसका बस इसका बचपन यानी कि शोक मई इसी यही शोक है जी, इसमें कर सका जी वो इसके साथ खड़े जी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जी, किसमें है कितना दम जी, मन मौका मिला जी इस बच्ची को टैलेंट दिखाने का जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक दफ़ा जी इसको चोट भी लगी जी, सिर में लगी, रोने लग गई जी। ये जी खेल रही थी, छोटी थी जी, खेल रही थी जी, आपके पीछे जी ईंट पड़ी थी जी इतना पर, उसमें सिर लग गया जी इसका, गिर का कुर्सी पते जी, सिर लग गया इसका, चोट लगी, बस बहुत रोने लगी। ये याद करा जी मम्मी, बहुत रोने लगी थी जी, मेरा चोट लग गया बहुत। खेलने में भी बहुत शहर है जी, गढ़ाई करने में भी बहुत शहर है जी, भाई बहन के साथ बहुत उदम मजा हुआ जी, बहुत ज़्यादा। इस यही अल्लाह रखा जी तार का कल्ली जगह, पढ़ाई पीछा तो मार नहीं खादी जी कहीं कहीं भी, मैडमा भी कहाँ जी वो ठीक है, पढ़ाई में बच्चा सही है, यानी कि कहीं भी मार नहीं खादी। लिखाई तो इतनी अच्छी है जी इसकी, राइटिंग बहुत साफ है जी, बस जी ठीक है जी सब कुछ। मेरा आदमी है जी, गरीब आदमी है जी, कल जाना कमाने वाला जी, मैं भी बीमार रहूँ कर रहा जी, बस यही ले रहा जी चाह, थोड़ा कहीं तो भी ले रहा, बच्ची का शौक पूरा हो जाए जी। बस मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ जी, मेरी बच्ची चाहत जी इस डांस में जीत के आई जी। चाहत मेरी बेटी है, गांव मेरा अंटाला जी, मैं काम मोटरसाइकिल का काम करूँ जी, जिनसे लग रहा इन एंगल जी। और बस जी चाहत स्वागत है जी डांसिंग का, शिष्य में देख कर डांस करा रही है, पढ़ने में से आ रहा है छोकरी, ठीक है जी। मतलब भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी जीत के फर्स्ट आए जी।
और ये लड़की जो चाहत है ये मेरी भतीजी है, मैं इसके साथ अच्छा लगता हूँ। ये लड़की बहुत अच्छी है, डांस करने में भी, पढ़ने में भी, खाना बनाने में भी, मुझे बहुत अच्छी लड़की है ये, बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनती है। तो हम मतलब धन्यवाद करना चाहेंगे कि इसको मौका मिला, एक गरीब परिवार से है, चलो इसको मौका मिला तो शुक्र है आपका और सभी टीम का और भगवान का कि इसको ये मौका मिला गरीब परिवार को। और के एच टी की ओर से मतलब मौका मिलने का आप धन्यवाद करना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं कि फाइनल जीत के आए बच्ची। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੂੰ। सारी टीम का, मेरी बहन इधर तक पहुंच गई पर मैं हमारी आपस में लड़ाई पड़ती हूँ फोन के लिए। मैं सबसे ज़्यादा चीतता हूँ चाहत के पास, उसको डांस का शुरू से ही बहुत शौक है। वो मुझे प्यार करती है और मैं भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लाडली, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सिस्टर फाइनल जीत के आए। प्रार्थना करती हूँ कि मैं वहाँ से जीत जीत के ज़रूर आऊँ।
और अपने मम्मी पापा का, गांव का नाम रोशन करूं। मैं थैंक्स करती हूं KKHD की टीम का और वरुण सर का, जिन्होंने हमें टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया।